होली के लिए जहाँ तो मजा भी रहे और तुम अच्छे से होली खिला हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो गाइस आप सब? आशा करते हैं आप सभी एकदम ठीक ठाक से होंगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक से हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ फरा, और फरा के लिए मैंने चने की दाल और उड़द की दाल उसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च डाल करके पीस लिया है। और उसके बाद मैं इसमें धनिया पाउडर, गर्म मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और वाइट सॉल्ट ऐड करूँगी और इसका फाइन मिक्सचर रेडी कर लूँगी। और उसके बाद इसमें मैं धनिया की पत्ती कट करके डाल दूँगी और फिर इसको इस तरीके से लाइक गुजिया के शेप में बना लेंगे फरों को। और उसके बाद मैं भगोने में रख दूंगी पानी। जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो इन फरों को जो मैंने बनाया हुआ है इनको मैं पानी में डाल दूंगी। और इसी तरीके से चावल के आटे के भी फरे बनते हैं, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है और ये थोड़े डिफरेंट तरीके से बनते हैं, देख सकते हो आप। तो अभी मैंने इनको डाल दिया है और ये बन करके रेडी हो जाएंगे। और चावल के भी बनते हैं वो थोड़े डिफरेंट तरीके से, तो ये आप देख सकते हो। सभी को मैं इसमें इस तरीके से डाल दूंगी। और साइड में मैंने टमाटर की चटनी बना करके रेडी कर ली है। और फरा ना टमाटर की चटनी के साथ ना बहुत ज़्यादा यमी लगते हैं खाने में। और उसके बाद जो मेरे फरे हैं वो बन चुके हैं, तो अब मैं उसको फ्राई करने जा रही हूँ। देख सकते हो आप, ये बन चुके हैं। तो मैंने इनको पीसेज में कट कर लिया है इस तरीके से। और उसके बाद मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल में राई और हरी मिर्च डाल करके इनको फ्राई कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हो मैंने डाल दिया है इसमें राई, और उसके बाद उसमें मैं हरी मिर्च डाल दूंगी। करी पत्ता लीव्स अभी मेरे पास नहीं है तो वो मैं स्किप कर रही हूँ। और फिर इस तरीके से इसको चलाते जाएंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो फिर इनको हम टमाटर की चटनी के साथ खाएंगे। और खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं फरा। किसको किसको पसंद है ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये आप देख सकते हो बन के हमारे रेडी हो चुके हैं। अभी हम लोग तैयार हो गए हैं कहीं जाने के लिए। और आप लोग बोलते हो ना हमेशा कि अपनी सासू माँ से मिलाइए, अपनी सासू माँ से मिलाइए, तो चलो मैं आज आप लोगों को मिला ही देती हूँ। ये देखो मम्मी भी तैयार हैं जाने के लिए। और आज मैं आपको ना एक बहुत ही खास चीज़ बताऊँगी सासू माँ के बारे में कि बता दे बताओ बताओ क्या बताना है। सासू माँ को ना गाना गाने का और डांस का सबसे ज़्यादा शौक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और इन्होंने मतलब YouTube पर जब ये किसी का वीडियो देखती है तो जो गाने वाले चैनल होते हैं उनका खोल करके जो क्या 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 आता है उसमें, शादी का भी बन्ना होते हैं, बन्ना बन्नी खूब सुनती है। तो मैं हंस रही थी मैं देख करके, मैंने कहा कि वो आप ना मेरा व्यूज़ नहीं बढ़ा रही है, आप इन लोगों का व्यूज़ बढ़ाती हैं। तो कहती है अरे हमको ये ब्याह वाले गाने सुनने में अच्छे लगते हैं। तो उन्हीं को अपना सर्च की रहती है और उन्हीं को सब्सक्राइब भी की है, उन्हीं को देखती भी है, तो खूब सुनती है। या आप लोग भी विवाह का गीत गाओ तो हम गाना बनाएंगे, आपका भी देखेंगे। तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके लिए बोल रही है कि आप लोग भी विवाह गीत डालिए तो हम आपका भी देखेंगे। मुझे भी बोलती है कि तुम भी कुछ गाना वाना गाओ तो मैं सुनूं बैठ करके। तो ये खास बात है। और आप लोगों ने जब से शादी वाला वीडियो देखा था तब से आप लोग बोल रहे थे ना कि आपकी सासू माँ गाना बहुत अच्छा गाती है, कभी सुनवाइएगा। तो कभी ज़रूर सुनवाऊंगी, आज तो अभी नहीं, लेकिन फिर कभी आप लोगों को ज़रूर सुनवाऊंगी। तो अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो चलो तैयार हो गए हैं और निकलना है अब। तो ज़्यादा बातें अभी नहीं करेंगे, बाद में बातें करेंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और ये हम आ गए हैं जहाँ हमें आना था। तो देख सकते हो अक्षत आद्या की यहाँ पर मस्ती चल रही है और ये लोग अपना खाने पीने में लगे हुए, और खाते पीते कम हैं, गिराते ज़्यादा हैं। इनकी खास बात यही है, और सारे बच्चों में एक ही खास बात यही होती है कि खाएं पिएंगे कम, गिराएंगे। और ये देखो हम आए हैं अपने बुआ जी के घर। तो ये है हमारी तीसरे नंबर वाली बुआ। तो हम लोग आज आए हुए हैं इनके, मतलब इनकी बुआ है और मेरी भी बुआ है, दोनों की बुआ ससुराल से हैं। तो बुआ से हमारे मिल लीजिए आप लोग। और बहुत दिखेगा क्या? सबको दिखेगा। अच्छा, जो जो चैनल देखता है वो बराबर मेरा अपडेट ये रहती है। अच्छा, हमें पता ही नहीं, मोबाइल भी नहीं है। शुरू में कहा बार रवि बोला था कि मम्मी रुचि भाभी का ये, तो हमें क्या मालूम किस तरह से आता है। Thank you.
के घर और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। नहीं अभी नहीं जाना, बुआ जाने नहीं दे रही, नहीं जाना, खाना खा के तब जाना है, अभी नहीं जाना है। अक्षय तात्या दिन बाद तो मिली हो। हाँ बहुत दिन बाद, बहुत दिन बाद बुआ से मिल रहे हैं। छोटी के बर्थडे पे मिले थे हम लोग, एक साल हो गया पूरा पूरा। और एक मम्मी वहाँ बैठी है, आद्या में खिलाए पड़ी है। आद्या आपको खिला रही है? हाँ। आप खिला रही है? अरे वो भी तो हमें खिला रही है। बुआ उतनी देर से हमें इतना खिलाई कह कहे तुम लोग कितना कम खाते हो, हम लोग हम तो बहुत ज्यादा खाते हैं, पता नहीं क्या खा लिए। और ये कह कहे कि इतना खिला दिए, एकदम पेट भर गया है। अभी घर जाके कोई खाना खाने वाला नहीं है। अरे अभी खाना खा के जाओ, स्पेशल डिश बनाते हैं। हाँ सच में बुआ ने आज बहुत अच्छी सारी चीजें बनाई थी, छोले दही बड़े सब बहुत टेस्टी। लेकिन अब क्या खाओगी अब बताओ? अरे नहीं, अब आप आइए, बनारस आएंगे। हाँ बनारस आइए, शॉपिंग भी करेंगे वहाँ, आइए जरूर आइए। अभी तो अप्रैल में मिलते हैं हम लोग। हाँ तो बहुत सरप्राइज है आप लोग के लिए। आप लोग बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखोगे मेरे ससुराल के, तो अप्रैल के वीडियो आप लोग मत मिस करिएगा बिल्कुल भी, जरूर देखिएगा। पूरी फैमिली आपको, पूरी फैमिली आपको देखने को मिलेगी एक साथ, तो इंतजार करिएगा आप भी। चलिए ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। और हाँ बुआ का डॉगी दिखा देती हूँ आपका, कहाँ गया वो? बहुत विंटर कहाँ गया? और आद्या को देख लीजिए पूरा लेकर के बैठी हुई है जी। आप ये आ गया, विंटर आ गया, और ये आ गया बुआ का डॉगी विक्टर। ये अभी ऐसे करेंगे तो आ जाओ विक्टर, ये विक्टर आ मेरे पास। और ये है बुआ का डॉगी विक्टर। तो अक्षय दादा जब से आए हैं ना इसके साथ खूब खेल रहे हैं, और ये भी बच्चों को ना बहुत प्यार से बच्चों के साथ खेल रहा है। और बच्चों को ना डॉगी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, स्पेशली आद्या को। तो आद्या तो धट धट करती रहती है बट खेलती बहुत है। और फाइनली अब हम लोग के जाने का टाइम हो रहा है, और अभी होली मिलन चल रहा है यहाँ पर भाई बहन का। तो यहाँ पे बुआ जी पापा को टीका लगा रही हैं, पापा को और फूफा जी को, और सब लोग आपस में एक दूसरे को टीका लगा रहे हैं, देख सकते हो आप। तुम अपना चेहरा दिखाओ तो अच्छी फोटो तुम्हारी है। सो अभी आप देख सकते हो अंधेरा हो गया है, और अभी 8:30 से 9 के बीच का टाइम होगा, रात बहुत नहीं हुई है। और हम लोग जा रहे हैं घर वापस बुआ के यहाँ से होकर के, और बुआ से मिलकर आज बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा लगा। तो चलो अभी मैं अपने वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा विथ बेल आइकन। और मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग गाइस आद्या फैमिली चैनल।